Hi all. Today I am going to discuss about the admission process. What kind of process or what is the procedure? What are the things should be done in case of admission of a मैंने स्टूडेंट से कि उसमें आपके बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू डू और बहुत लेंदी सा हो जाता है कॉन्सेप्ट कभी कभार. और समटाइम्स स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि आप मान लीजिए मैं कहूँगी 7 to 8 थिंग्स यू हैव टू डू, उसमें से 5 या 6 तो आपने कर दी, 2 आपसे रह गई. सिंपल सा प्रोसेस है, मैं जिसको एक बार थ्योरी में समझा रही हूँ. मैंने स्मॉल स्मॉल वीडियोज़ बना रखी हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, सो दैट आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर हो सके. फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर रही हूँ इस वीडियो में कि आपको करना क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स विच शुड बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर. कोई भी एक स्टेप अगर आपका मिस हो गया तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी. तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्टेप तो मिस नहीं होगा. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी वो भी कोई इशू नहीं आएगा. तो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. फर्स्ट थिंग इज देयर, आपका There are two old partners. और एक नया पार्टनर आया और उसका एडमिशन हुआ है. ठीक है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है. तो पहली चीज़ जो सबसे पहली चीज़ आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करनी है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक है, आपका क्योंकि 8 मार्कर आना है और एक 6 मार्कर आना है, 14 मार्क्स के आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं जिसमें आपको सब काम करना है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. 14 मार्क्स वेटेज है, 2 क्वेश्चन इस पे आने हैं, उसके अलावा और भी 1 मार्कर और 2 मार्कर आ सकते हैं, बट 14 मार्क्स का तो क्लियर है जो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट आपके उसमें कवर करने हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ. पहला पॉइंट, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकेंड थिंग, यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो. वो भी आपने कर लिया होगा. सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के लिए आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो उसका आपका निकल के आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो. हो सकता है एडमिशन की वजह से किसी पार्टनर को गेन हो रहा हो, किसी को आपका सेक्रीफाइस हो. थर्ड थिंग, आपके पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी थी बी इन अ पार्टनरशिप फर्म, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी रीवैल्यूड. उसका रीवैल्यूएशन होता है और उसका आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है. मेरी वो रीवैल्यूएशन की भी एक वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको फॉर्म करना है. रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट है या लॉस है, वट एवर थिंग इज देयर दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी क्योंकि जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो पुराने पार्टनर्स ने क्रिएट किए हैं, तो उसमें अगर कुछ गेन होता है एप्रिसिएशन की वजह से या एसेट डेप्रिसिएशन की वजह से कुछ लॉस होता है या वट एवर सम अप करने पे आपके सामने आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर लॉस है तो उनसे चार्ज होगा. ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को दे दिया. फोर्थ थिंग, आपके बिजनेस में जो भी पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं या रिजर्व्स हैं, वो जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लेकिन उन रिजर्व से रिलेटेड अगर कोई क्लेम है दैट शुड बी सेटल फर्स्ट, देन रेजिडुअल अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हमने ओल्ड पार्टनर्स को क्या दिया, हमने ओल्ड पार्टनर्स को दिया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस है तो शेयर करेंगे. सारे के सारे पुराने प्रॉफिट्स हैं या हमारे आपके रिजर्व्स हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब नया पार्टनर आता है, एक तो बिजनेस में कैपिटल लेके आता है, उसके साथ साथ वो गुडविल भी लेके आता है क्योंकि वो एक रेडीमेड बिजनेस में आ रहा है, तो ही हैज टू गिव सम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ गुडविल एंड दैट गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. जी हां, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एक ही चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है. आपने वो भी पार्टनर को दे दी, ओल्ड पार्टनर्स को दे दी, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. पूरी अकाउंटिंग में और कुछ भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं जाना है, यही जाना है. ठीक है, गुडविल भी दे दी. अगर आपके बिजनेस में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट मीन्स इन बैलेंस शीट ओल्ड गुडविल इज गिवन, दैट शुड बी राइट ऑफ. क्वेश्चन में बोला जाए नहीं बोला जाए आपको राइट ऑफ करना है, उसकी भी मैंने एक वीडियो क्रिएट की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं गुडविल वैल्यूएशन की. ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन भी हमने कर लिया, गुडविल जो नया पार्टनर लाया था वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ओल्ड गुडविल को हमने राइट ऑफ कर लिया, सारे रिजर्व्स हमने ट्रांसफर कर लिए. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, मैंडेटरी हमें बनाना है, 2 मार्कर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है. उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट फ्रेम करना है. हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर दैट ऑल्सो हैज टू बी प्रोवाइड एंड दैट शुड बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी हम दे देंगे. अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसे क्लोज किया, प्रॉफिट ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में.
दूसरी चीज़ हमने क्या बनाई, दूसरी चीज़ हमने कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया। कैपिटल अकाउंट बनाया, सारे पार्टनर्स को जितनी भी चीज़ें हमें देनी थी वो सब दी, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस की हैं, और फिर हमने उसको बैलेंस किया। उसके बाद हमें करनी है रिवाइज बैलेंस शीट प्रिपेयर, यानी जो हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में रिवैल्यूएशन हुआ, किसी एसेट में अप्रिसिएशन हुआ, किसी एसेट में डेप्रिसिएशन हुआ, उसको एडजस्ट करके हमें रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है जो हम रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी साइड पे आपकी जो भी पुरानी लाइबिलिटीज़ हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसको रिवाइज वैल्यू को आप अपडेट करेंगे रिवाइज बैलेंस शीट में। और जो आपके कैपिटल अकाउंट से न्यू कैपिटल बैलेंस आया है सभी पार्टनर्स का, वो ए बी और नए पार्टनर तीनों का आपको वो कैपिटल बैलेंस शो करना है। आपको अपनी बैलेंस शीट टैली करनी है। बैलेंस शीट अगर आपकी टैली हो जाती है तो आपके ऊपर के सारे एफर्ट्स, वी कैन से यू अचीव सक्सेस इन ऑल द वर्किंग विच यू डिड। तो आप देखिए काम काफ़ी सारा है, और आपको अपना बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में भी काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो देट ऑल्सो हैव टू बी प्रिपेयर। और समटाइम्स अगर एग्जाम में नहीं मांगा है तो आप वर्किंग नीचे फुट नोट में दिखा के भी उन वर्किंग को कर सकते हैं। तो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी प्रोसेस, कोई सा भी एक प्रोसेस छोड़ना नहीं है आपको, सारे प्रोसेस आपको करने हैं एडमिशन में। तो ये सारे प्रोसेस हैं, इनकी छोटी छोटी वीडियोस प्लीज़ गो टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है, सारी वीडियोस वहाँ अपलोडेड है। और मैं धीरे धीरे और भी वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज वीडियो बना रही हूँ, लॉन्ग वीडियोस नहीं है, सो दैट उन छोटी वीडियो से आप अपने जो टॉपिक है आपका उसको पिक करके उस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर सकें। ये सब आपको करना है, और ये ध्यान रखना है देर आर टू क्वेश्चंस ऑन द सेम बेस, दैट इज 8 marker and 6 marker। 6 marker में थोड़ी वर्किंग्स कम होंगी, 8 marker में आपकी वर्किंग्स ज़्यादा होंगी। समटाइम्स जनरल एंट्रीज पूछी जाती हैं, समटाइम्स सिर्फ लेजर से आपके बनवाए जाते हैं। तो ये वाला जो फंडा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू।